बात तुम बोलना चाह रहे हो ये बिना नाचे हुए भी तो बता सकते हो। अरे ऐसा ज्यादा इम्पैक्ट होता है, तुम भी नाच। चलो भागो 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 ट्रेन आ, चलो भागो भागो। अबे यार ये तो लोग तो गलत कर रहे हैं यार, देखिए पटरी पे गलत हो रहा है, पटरी पर पत्थर दे दिया, उधर से ट्रेन भी आ रहा है। अरे उस पर कुछ नहीं होगा, बच्चे लोग खेलता होगा। चलो छोड़ दो सर, वहाँ पे देखिए पटरी पे पत्थर दे दिया, उधर से ट्रेन भी आ रहा है, बच्चे लोग कर रहे हैं। चलो ये तुम लोग क्या कर रहे थे, तुम्हारे एक गलती की वजह से लाखों आदमी की जान जा सकता था। गलती हो गया सर, सॉरी, आज से ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। गलती हो गया सर, ठीक है ठीक है। 5 पत्थर रखे थे उसने पटरी पे, उससे ट्रेन को क्या फर्क पड़ जाता। और एक सेकंड अगर तुझे दिख ही गया था कि पत्थर रख दिया उन्होंने पटरी पे, तो खुद जाके हटाले। उसके लिए लोगों के पास जा जाके आर्मी वालों को जाके बोल रहे सर देखो उन्होंने पत्थर रख दिया, प्लीज कुछ करो। अरे वो तो तू भी हटा सकता था ना खुद से। इस पूरी वीडियो में सबसे बढ़िया आदमी ये था। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, चला। अरे भाई किसी को फर्क नहीं पड़ता यार, 4 पत्थर ही तो रखे पटरी पे, उससे ट्रेन को क्या हो जाएगा। शांत शांत हो जा मेरे बच्चे, शांत हो जा। ओहो हो, तू मेरे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये लड़की मेरे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बेचारी, ओह नो, अब क्या करेगी बेचारी, इतना दुख। सर मैं अंदर आ सकती हूँ? यस कम इन। सर आपकी कंपनी का मुझे मेल आया था। आपका क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा है। पर हाँ, मैं थोड़ी दिन के लिए छुट्टी पे जा रहा हूँ, इसलिए मेरा चेयर आप संभालोगे। है शुभम कहाँ पे अभी? आ जाओ ऑफिस में। शुभम मैं थोड़े दिन बाहर जा रहा हूँ, मेरा चेयर अब ये संभाले। ओह माय गॉड। देखा शुभम, किसी लड़की की मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए, आज के जमाने में लड़की किसी से कम नहीं है। वाओ, व्हाट अ पिछवाड़ा टचिंग स्टोरी, मेरा तो क्राई आ गया भाई। बस इतना अमीर बनना है कि पहले ही दिन एम्प्लॉय को हायर करते करते में आपकी क्वालिफिकेशंस बहुत अच्छी है, आज से मेरी कुर्सी आप संभालेंगे। सीधा ही आज से मेरी कुर्सी आप संभालेंगे। नमस्कार अंबानी जी, और मैं आपके यहाँ पे नौकरी के लिए आया हूँ, ये रहा मेरा रिज्यूमे। बिल्कुल खाली, बिल्कुल खाली। हाँ जी सर, मैंने कुछ किया ही नहीं कभी। यू आर सिलेक्टेड। नौकरी पक्की? नौकरी पक्की। अरे मैं कह रहा हूँ ये लो मेरी प्रॉपर्टी भी तुम्हारी। अरे वाह। ये घड़ी भी तुम्हारी। अरे वाह। मेरी गाड़ी की चाबी भी तुम्हारी। अरे वाह। और मेरे घर की चाबी भी तुम्हारी। अरे वाह सर, थैंक यू सो मच। आओ आओ आओ, अब तुम इधर संभालो। अच्छा मैं आपकी सीट पे? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बैठो। आज से ये मेरी कुर्सी? बिल्कुल आज से ये तुम्हारी कुर्सी। आपको नौकरी से फायर कर दिया गया है, चलो निकलो। और इसको देखो, ये अपना अनियन हेयरकट लेकर सॉक्स पहन के ऑफिस पहुंच गया है। वही सॉक्स पहले घर पे पहनी हुई थी और वैसे ही सॉक्स में ऑफिस पहुंच गया है। कम से कम चप्पल तो पहन ले। मैं बता रहा हूँ तुम्हें, आजकल के छपरी नल्ले बेरोजगार जो है सारे के सारे अपना नकली नाम शुभम रख लेते हैं, ताकि बड़े बड़े कोठी बंगले वाले को लगे कि ये भी कोई बड़े कोठी बंगले वाले, और सारे के सारे एक नंबर के धोखेबाज होते हैं। सारे शुभम ऑफेंड कर दिए मैंने एक बारी में। एनी शुभम इन द चैट। अरे यार मैंने तो बम पर पाँव रख दिया यार। वाओ क्या एक्टिंग कर रहे हैं यार, ये कहाँ पर आ रहा है। अगर इसको पता लग गया कि मैंने बम पर पाँव रख दिया है तो ये मुझे बचाने की कोशिश करेगा, भागेगा नहीं यार। मेरे बेटे का ध्यान रखना। जी माँ जी, मैं इसका अपने भाइयों की तरह ध्यान रखूंगा। अच्छा माँ जी, अब मैं चलता हूँ। जनाब इधर बॉर्डर के किनारे क्या कर रहे हो? अरे जनाब यहाँ बॉर्डर की तरफ हलचल हुई थी, वो देखने आया था। सब खैरियत तो है ना? हाँ सब ठीक है। अच्छा जनाब आपके लिए चिट्ठी आई है। यार चिट्ठी तो मेरी कल ही आ गई थी, लगता जवान ने मेरे साथ मजाक किया। ओह माय गॉड, कोई बताओ कि जनाब आपने बॉम्ब पे नहीं टट्टी पे पैर रखा है। और ये क्या भाई, अर्जुन कपूर भाई असली अकाउंट से आओ। यार मैंने तो बॉम्ब पर पाँव रख दिया यार। जनाब ने बॉम्ब पे पैर रखा है पर एक्टिंग। यार मैंने तो बॉम्ब पे पैर रख दिया। अबे यार अब ये मेरे को बचाने आ जाएगा। एक्टिंग की बादशाह हो कसम से अर्जुन कपूर, इफ ही वॉज अ गुड एक्टर। तो जनाब शीन ये हाई के इसने आपकी गर्लफ्रेंड का मर्डर कर दिया है, अब आपको इससे बदला लेना है। तूने मेरे साथ सही नहीं करा। तो जनाब सीन ये है कि एक इंटेंस एक्शन सीन है और आपको इसकी पिटाई करनी है। तो जनाब सीन ये है कि ये लड़की को आपको प्रपोज करना है।
मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मुझसे शादी कर लो। ये जितनी कमजोरी से बोल रहा है तुमसे कोई लड़की शादी नहीं करेगी। मगर क्यों? तो जनाब सीन ये है कि आपने बॉम्ब पे पैर रख दिया है। अरे यार मैंने तो बॉम्ब पर पाँव रख दिया यार। तू तो गया बेटे। She is rejected me because my look very very ugly. OMG. I am 5 year quiet. I focus in my look and now 2022. अबे चेंज क्या हुआ है? Don't compromise myself. अबे पर चेंज क्या हुआ है? भाई ट्रांसफॉर्म होना ही भूल गया। भाई तू एक हिडन जेम है, हिडन ही रही हो। अंग्रेजों को इंग्लिश भाई ने सिखाई है। शी इज लेफ्ट यू बिकॉज योर लुक वेरी वेरी अगली। शी इज मेक बेस्ट डिसीजन ऑफ हर लाइफ बाय लीव यू। बिफोर वर्सेस बिफोर, आफ्टर आई नहीं। सम थिंग्स नेवर चेंज। छोड़ दो मेरी बहन को। पहले मेरा एक काम करना पड़ेगा। क्या काम करना है? वो फौजी खड़ा उसको मार के आओ। जाओ, बाद में छोड़ूंगा। नहीं, मैं फौजी को मारकर मेरे देश के साथ गद्दारी नहीं करना चाहती। कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रही हो? एक आतंकवादी ने मेरी बहन को पकड़ के रखा और आपको मारने के लिए मुझे यहाँ भेजा है। तुम एक काम करो, तुम जाओ उसको ऐसे कह दो कि मैंने फौजी को मार दिया है। अच्छा ठीक है, ये लो मैंने फौजी को मार दिया, अब तो मेरी बहन को छोड़ दो। तुमने फौजी को तो मार दिया, तुम दोनों भी तैयार हो जाओ मरने के लिए। इनको छोड़ दो, तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। आप ही इंडियन आर्मी से प्यार करते हो तो इस वीडियो को लाइक करें। मैं मरने के लिए तैयार रहता हूँ रोज ऐसी वीडियोस देख के। वो आतंकवादी ने अपनी गन उस लड़की को दी। अरे तो जब उस लड़की के हाथ में गन आई गई थी तो उस आतंकवादी को ही मार देते ना। छोड़ूंगा नहीं तुझे। तेरा डोले तो बहुत बढ़िया है यार। एकदम बढ़िया यार। अरे भाई साहब, इसे क्यों मार रहे? इसे छोड़ दो भाई, ये मेरा बेटा है, इसे छोड़ दो। अपने बेटे को बचाना चाहता है। हाँ। वहाँ पे एक फौजी खड़ा है, जा उसको मार कर आ। ये ले गन, जा मार कर आ उसे। उसे क्यों मारूंगा? तेरे को ही ना मार दूं। गन तो मेरे हाथ में रह गई। कितनी टचिंग परफॉर्मेंस गाइस। अब इंडियन आर्मी को आतंकवादियों से लड़ने के साथ साथ ऐसे बवासीरों से भी लड़ना पड़ेगा। बाबा टाइम बहुत खराब आ गया। ऐसी वीडियोस बना के ना ये लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, हमारी आर्मी का मजाक उड़ा रहे हैं। आर्मी के नाम पे हमारी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लाइक सीरियसली डूड, आर्मी का नाम यूज कर रहे हो अपने व्यूज के लिए? शर्म भाई शर्म। फुल बदमाशी चल रही है भाई, गैंग्स ऑफ ढोलकपुर। छोटा भीम की याद दिला दी। और सब छोड़ो, ये रेड स्वेटर वाले का बताओ, ये अपने आप कैसे गिर गया? इसको तो उसने टच भी नहीं करा, ये हवा से गिर गया अपने आप ही। Are you sure about that, bro? Wow, इतनी खूबसूरत लड़की। Excuse me, क्या आप मुझसे दोस्ती करेंगी? सोच के बताती हूँ। सोचिए मत, चलिए। अबे यार सोचिए मत चलिए, तो पूछा ही क्यों था, ऐसे हाथ पकड़ के ले जाता। okay. मेरे से दोस्ती करेंगी? सोचती हूँ। अबे सोच मत चल। अरे तो पूछ ही क्यों रहा है यार। अरे मैं क्या बताऊँ मैम। हाय तिथि। हेलो अभी। आपने मुझे इतना अर्जेंट में क्यों बुलाया? एक्चुअली ना मुझे तुम्हें कुछ बात बतानी थी। हाँ बोलिए। एक्चुअली ना मेरे फेस पे एक दाग है, मैंने भैया ने बोला कि तुम्हें बोल दूँ। कोई बात नहीं तिथि, हर इंसान फेस देख के प्यार करता है, लेकिन मुझे आपसे दिल से प्यार हो गया है। रियली आई लव यू। भाई जब उसने टोपी उतारी ना, मेरे को लगा अंदर से गंजी निकलेगी या फिर बोलेगी मेरे को कैंसर है, ऐसा कुछ है। इतना सा भाई मस्सा था वहाँ पे, मेरे मुंह पे दाग है। और उसको तेरे मुंह पे छोटे से दाग से क्या दिक्कत होगा, उसका तो पूरा मुंह ही दाग है। कलंक। और कह रहा है मैंने आपसे शक्ल देख के प्यार नहीं करी। पहले साला जब वीडियो स्टार्ट हुई थी तो शक्ल देखते ही वाओ इतनी सुंदर लड़की, वाओ इतनी खूबसूरत लड़की। अब मैंने तो आपसे दिल से प्यार करा। बहुत बढ़िया, बहुत आरामी साले, बहुत जल्दी पलट गया। वेरी गुड बेटा। एनीवेज गाइस, आई होप यू गाइस एंजॉयड दिस वीडियो। बहुत ही कमाल कमाल की यहाँ पे वीडियोस देखी है हमने आज। वीडियो को लाइक कर देना इसको। आई विल सी यू गाइस विद अ लॉट ऑफ रोस्ट वीडियोस, अब तो आती रहेंगी। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।